नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में बढ़ी है गर्मी की छुट्टियां, 22 तारीख से खुलेंगे स्कूल। राजस्थान में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का अवकाश जो है अभी खत्म हो रहा है, वह बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बच्चों के स्कूल खुलने से पहले बच्चों में टीचर के स्कूल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां जो है 25 जून तक ही रहेगी, ऐसे में अब स्कूल जो है 26 जून से खुलेंगे। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने आदेश जारी किया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम के आदेश के अंदर यहां पर बताया गया है कि शिविर पंचांग में संशोधन जो है वो किया गया है। इससे पहले स्कूल जो है गर्मी की छुट्टियां जो है 23 जून को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब गर्मी की छुट्टियां जो है 25 जून को खत्म होगी। वही पहले स्कूल 24 जून को खुलने वाले थे, लेकिन अब स्कूल जो है 26 जून को राजस्थान के अंदर खुलेंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल अब 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की भी बड़ी है राजस्थान में तारीख। राजस्थान में गहलोत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की तिथि को बदल दिया है। दरअसल अब इन खेलों का शुभारंभ जो है 23 जून के स्थान पर अब 10 जुलाई को होगा। वह खेलों में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है वो 23 जून तक यहाँ पर बढ़ाई गई है। खेल विभाग के सचिव जो है उन्होंने यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों को 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। वही विद्यालय जो है खुलने के बाद करीब एक सप्ताह तक नए नामांकन हो गए। इन खेलों में 60% तक तो सहभागिता जो है स्कूली विद्यार्थियों की होती है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ही अन्य आवश्यक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खेलों के आयोजन की तिथि में बदलाव किया गया है। वही राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह जो है राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। राजस्थान में लगभग 54 लाख से ज्यादा जो है अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बात अब बताए अगली खबर की। तो राजस्थान से अभी मानसून है दूर, बारिश थमी, 40 डिग्री गया है पार। अगले 2 दिन में मानसून के आगे बढ़ने के हैं आसार। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल तमिलनाडु पूर्वोत्तर राज्यों में देरी से पहुंचा, इसके बाद से इसकी रफ्तार धीमी हो गई। राजस्थान समेत 17 राज्यों में मानसून एक हफ्ते ऐसे ज्यादा लेट हो चुका है। वही मौसम विभाग के अनुसार मानसून अगले कुछ दिनों में ओडिशा के कुछ हिस्सों में, बंगाल के एक ज्यादातर हिस्सों में और झारखंड और बिहार में आगे बढ़ने की अनुकूल स्थितियां है। वह राजस्थान में बारिश का दौर अभी थम गया है। कई शहरों में जो रिकॉर्ड पारा जो है 40 डिग्री से ज्यादा चला गया है। वही गंगानगर जो है 43.7 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा है। वही असम में भी यहाँ पर कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। राजस्थान में मानसून जो है जुलाई महीने के पहले सप्ताह में पहुंचने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में जो मानसून की एंट्री जो है जुलाई महीने के अंदर होने के आसार जताए गए हैं। वही जो मानसून जो है अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में इसकी एंट्री जो है जुलाई में होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही राजस्थान में पूरे राजस्थान में फैलने में यहाँ पर जुलाई का दूसरे सप्ताह के अंत तक जो है पूरे राजस्थान में ये मानसून फैलने की यहाँ पर बात कही गई है। वही मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक राजस्थान में जो है मानसून की एंट्री हो सकती है। वही राजस्थान के पाली, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और राजस्थान समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। राज्य के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इस मानसून के बाद प्री मानसून की भारी बारिश राजस्थान को अबतर बतर करेगी। जैसे प्री मानसून की बारिश जो है राजस्थान में 24 से 25 जून के बीच प्रवेश करेगी और 30 जून तक ये झमाझम बारिश यहाँ पर होने के आसार जताए गए हैं, जिसके कारण राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। वही गुजरात के बाद राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। अब तक बारिश जैसी घटनाओं में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बता दें आपको कि प्रदेश में जो है जो बारिश का दौर जो है आज हल्का पड़ेगा, इसके बाद 2 दिन यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 24 तारीख से फिर से यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी इलाकों में राजस्थान के बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा और धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की बात कही गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान रिट मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई है शुरू। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी 30 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। राजस्थान में 48,000 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। बोर्ड द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 में शॉर्टलिस्ट किए गए विद्यार्थी जो है 30 जून तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद आगामी प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की पोस्टिंग जो है वो उनको पोस्टिंग मिलेंगी। वही लेवल 1 और 2 के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी अपनी जो
SSOID जो है उसके ऊपर जाकर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्वायरमेंट के बाद डिटेल फॉर्म फॉर स्क्रूटीन में जाकर संबंधित फॉर्म का नाम लिंक के सामने अप्लाई नाउ में जाकर विस्तृत आवेदन जो है उनको भरना होगा, उन्हें 100 रुपए की फीस भी यहाँ पर देनी होगी।